नमस्कार दोस्तों, हमारे पास में CP+ का कैमरा है, तो आज इसका पूरा का पूरा सेटअप आप लोगों को वीडियो में करके दिखाएंगे। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका जगह में डब्बा है, बहुत ही अच्छा है। और ये जो है दोस्तों यहाँ पर जगह में कैमरे रख रखे हैं, और ये जो है दोस्तों यहाँ पर जगह में कैमरे की वायर है, कंपनी की वायर है दोस्तों। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ये जो है हमारे पास में जगह में डब्बा है, तो डब्बे पर लगाएंगे हम लोग जगह में कैमरे को फिट करेंगे। खोल लिया है यहाँ पे डब्बे को हमने, और डब्बे के अंदर से हमने जगह में कैमरे को निकाल लिया है। देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पे ठीक है जगह में कैमरा आता है निकल के, और काफ़ी अच्छा कैमरा है दोस्तों, सिक्योर कैम है और काफ़ी अच्छा है। और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे जो है इसकी HD क्वालिटी है, हमने जगह आज जो है दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर लगा के दिखाएंगे अभी। तो ये जो था हमारे पास में जगह में डब्बा था, तो डब्बे को यहाँ पे निकाल लेंगे पेचकस की मदद से, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग अपने कैमरे की फिटिंग करेंगे। पेचकस से निकाल लेंगे इसको, देख पा रहे हैं इसमें पेचकस से निकाल लेंगे, और इसके अंदर में डालेंगे कैमरा। कैमरे को डालने के बाद फिर क्या करेंगे, पेंच को अच्छे से कस देंगे। पेंच है हमारे पास, पेंच को अच्छे से यहाँ पे कसेंगे। ये देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें पेचकस की मदद से पेंच को कस देंगे, और नंबर वाइज जो है यहाँ पे लगा देंगे पेंच। इसके अंदर में जगह में इसके अंदर में तीन पेच लगेगी, तो तीन पेच इसके अंदर में लगाएंगे कैमरे में। पेंच 2 लग गया है, अब जो है यहाँ लगाएंगे पेंच 3। तो देख रहे हैं काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे, ये देखिए काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे कैमरा है, फिटिंग कर दी इसकी। एक जो है यहाँ पे कैमरा रेडी है, और जो यहाँ पे जगह में डब्बा था दूसरा, तो उसको हमने यहाँ पे दीवार पे लगा लिया है। और ऐसे ही दोस्तों सारी जो है हमने फिटिंग यहाँ पे कैमरे की कर ली है, देख पा रहे हैं इसमें पेंच को यहाँ पे कस कस के डब्बे में रख दिया है, रेडी है ये। फिर क्या दोस्तों यहाँ पे करेंगे, अपने जगह में BNC कनेक्टर को बना लेंगे। तो देखिए हमने इसको यहाँ पर रेडी कर रखा है, इसमें BNC कनेक्टर को ऐसे ही आपको यहाँ पे अच्छे से इसके अंदर में जगह में BNC कनेक्टर को बना लेना है। नेगेटिव का नेगेटिव में लगा देंगे, और जगह में पॉजिटिव का पॉजिटिव में आपको वायर को इसके अंदर में लगा लेना है। तो वायर को जगह में छीलने के बाद में आपको यहाँ पर लगाना है रेड वाली वायर को, वहाँ पर जगह में पॉजिटिव में लगाना है, और जो वहाँ पे दूसरी वायर है तो उसको लगा देंगे जगह में नेगेटिव में। और इसी के अंदर में हमने जगह में पावर की केबल को भी दोस्तों यहाँ पे हमें अच्छे से यहाँ पे रेडी कर रखा है। ये देखिए यहाँ पे जगह में पावर की केबल है, पावर की केबल को भी यहाँ पे हम लोग जगह में रेडी कर लेंगे। तो पावर की केबल के अंदर दिखा देते हैं, यहाँ पर जगह में कनेक्शन को दिखा देते हैं। तो देखिए रेड वाली को रेड में लगा लिया है, और नेगेटिव वाली को आपको जो है इसके अंदर में लगा लेना है नेगेटिव में, दोनों वायर को लगा लें। हमने आप दोनों वायर को लगा लिया है, क्योंकि दोस्तों हमें इसके अंदर में ठीक है जगह में स्पीकर को चलाना नहीं, तो हमने इसके अंदर में दोनों वायर को ले लिया है, रेड की रेड में लगा दी है, और ब्लैक की ब्लैक में, और येलो वायर भी इसी के अंदर में लगा दिया है। अगर आपको जगह में स्पीकर को चलाना है, तो इसके अंदर में येल्लो वायर को नहीं लगाएंगे। येल्लो वायर और जो होती है यहाँ पे दोनों वायर, तो इसे थोड़ी सी जगह में नेगेटिव में मजबूती रहती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जगह में दोनों वायर ले लेते हैं। कनेक्शन को देखिए अच्छे से यहाँ पे कर दिया है, और अपने कैमरे के साथ में जोड़ दिया है। देख रहे हमने BNC कनेक्टर को, और जो है यहाँ पर जगह में पावर कनेक्टर को अपने कैमरे के साथ में जोड़ लिया है, और ये अच्छे से रेडी है। दोनों वायर्स को आपस में जोड़ लिया है, दोनों वायर्स आपस में अच्छे से रेडी है। ये देखिए देख पा रहे इसमें अच्छे से जो है हमने वायरिंग को कर दिया है, और ये जो है ना जैसे जितने भी कैमरे रहेंगे सभी में वायर को जोड़ लेंगे ऐसे नंबर वाइज,
देखिए कैमरा है, काफ़ी अच्छा कैमरा है दोस्तों। यहाँ पे जगह में कलर में कैमरा है ये, और काफ़ी जो है दोस्तों बढ़िया कैमरा है, जो कि HD में आता है। ये सिक्योर कैम है, और वायर्स वगैरह को रेडी कर दिया हमने। ऐसे ही आपको यहाँ पे रेडी कर लेना है दोस्तों, अपने अपने जगह में कैमरे में जोड़ने के लिए वायर को। तो ऐसे आप इसको रेडी कर लेंगे, और हमारी जो वायर है यहाँ पर रेडी है। दूसरी बार भी रेडी है। कैमरे सारे रेडी हैं हमारे। अब क्या करेंगे हम लोग, अपने जगह में सीपी प्लस के डब्बे को खोलेंगे। ये देखिए सीपी प्लस का डब्बा है, इसके अंदर में DVR है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे DVR को आसानी से यहाँ पे खोल लेंगे। बैक साइड है DVR का ये, और ये हमारी जगह में सप्लाई है यहाँ पे पावर की, जो कि हम लोगों के जगह में कैमरे में लगती है ये। तो ये देखिए यहाँ पे DVR हो गया, और जगह में सप्लाई हो गई, और इसको खोलेंगे तो यहाँ पे DVR का जगह में चार्जर वगैरह दे रखा है। यहाँ पे अडेप्टर है, चार्जर है, और माउस वगैरह जो आता है इसमें, वायर्स वगैरह होगी, साटा केबल हो गया, पावर केबल हो गया। तो सारा सिस्टम यहाँ पे DVR का होता है। उसको हम लोग यहाँ पे खोल लेंगे, और DVR के पॉलीथीन को यहाँ पे फाड़ेंगे। फाड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे DVR को निकाल लेंगे। देखिए काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पे इसकी सेफ है, और पेंच को यहाँ पे निकालेंगे। DVR को दोस्तों यहाँ पे खोलने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम लोग अपनी हार्ड डिस्क को लगाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, DVR के पेंच को खोलेंगे। तो देखिए DVR के पेंच को खोल रहे हैं। DVR के पेंच को दोनों साइड से खोल लेंगे नंबर वाइज। इधर का भी पेंच खोल लिया, उधर का भी पेंच खोल लिया। इसमें यहाँ पे चारों साइड में पेंच हैं, तो सभी पेंचों को खोल लेंगे DVR में। और ये देखिए अंदर का पार्ट आ गया इसमें निकल के, जो कि इसके अंदर में DVR का कार्ड है। कार्ड यहाँ पे निकल चुका है। कार्ड में लगाएंगे यहाँ पे जगह में साटा केबल लगाएंगे इसमें हार्ड डिस्क को लगाने के लिए। ये देखिए यहाँ पर लगा दिया इसमें साटा केबल को। अब के अंदर में लगा देंगे यहाँ पे पावर केबल, लगाएंगे, और पावर केबल लगाएंगे यहाँ पे, और जगह में साटा केबल लगा देंगे। DVR हमारा रेडी है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसके अंदर में अपनी हार्ड डिस्क को लगाएंगे। तो हार्ड डिस्क को अभी आप लोगों को निकाल के दिखाते हैं। सीपी प्लस का DVR है ये, काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पे क्वालिटी आती है इसकी निकल के। ये देखिए हमने इसके अंदर में लगा दिया मैं कनेक्टर को, और साटा केबल को लगा दिया इसके अंदर में, जगह में पावर केबल को भी। और इसके अंदर में हमने 1 TB की यहाँ पे हार्ड डिस्क को लगाया हुआ है। 1 TB का मतलब ये है कि ये कम से कम 1 से 2 महीने की रिकॉर्डिंग देगा आपके 4 कैमरे पे आसानी से, और काफ़ी अच्छे से रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 TB का लगाया है इसके अंदर में हार्ड डिस्क। महीने से दो या महीने की रिकॉर्डिंग रखेगा। अच्छा फंक्शन है इसके अंदर में। पेज को कस लेंगे इसमें हार्ड डिस्क की, हार्ड डिस्क जो हमने यहाँ पर लगाया DVR के अंदर। तो इसके अंदर में आप पेंच दे रखे हैं, नट में से इसको अच्छे से यहाँ पर कस लेंगे। देख रहे हैं पेंच को लगा रहे हैं हम लोग। हार्ड डिस्क के पेज को अच्छे से यहाँ पे कस लेना है।
ये देखिए पेज को कस लिया हमने। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर दूसरा पेज भी कस लेंगे हम पेचकस की मदद से। ये देखिए दूसरा पेज भी कस दिया हमने, अच्छे से फिटिंग होगी इसकी। हार्ड डिस्क लग गई, बोर्ड भी लग गया हमारा। और अब क्या करेंगे, इसको ढक देंगे। पेज को लगा देंगे। नट को कस देंगे अच्छे से। पोर्ट देख पा रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, इसके अंदर में VGA का पोर्ट है, कैमरे का पोर्ट है, HDMI है, LAN पोर्ट है, USB पोर्ट है, पावर पोर्ट है, सारे पोर्ट दे रखे हैं। इन्हीं के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, अपने जगह में कनेक्शन को करेंगे और फिर जो है यहाँ पे कैमरा हमारा अच्छे से काम करेगा। ये देखिए नट को कस दिया हमने इसमें पेचकस की मदद से और फिटिंग इसकी कर दी है। और DVR जो है हमारे यहाँ पे रेडी है, अच्छे से फिट कर दिया हमने इसमें। और ये देखिए इसको रेडी कर दिया इसमें नट लगा के। ऐसे ही हम लोग इसमें दूसरी साइड भी लगा लेंगे नट को, अच्छे से फिटिंग कर लेंगे नट की। नट लग चुका है, अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग इसके, अब जो है दोस्त यहाँ पे हम लोग इसके अडेप्टर को लगाएंगे। अडेप्टर की वायर को यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे लगा लेना है। देखिए लगा दिया हमने इसमें पावर जैक में, अडेप्टर को लगा दिया। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इसके अंदर में अपने SMPS को, कैमरे की यहाँ पे इसकी SMPS होती है, तो इसको हम लोग लगा देंगे पावर बोर्ड में। देखिए बोर्ड है, बोर्ड में लगा दिया। और ऐसे ही दोस्तों हम लोग अपने काम में DVR के भी अडेप्टर को लगा देंगे बोर्ड में। और SMPS के अंदर में क्या करेंगे हम लोग, अपने जगह में कैमरे की वायर को लगाएंगे, USB लगा लेंगे, माउस को, माउस का पोर्ट है तो माउस के पोर्ट को लगा लेंगे हम। माउस के पोर्ट को लगा लिया हमने। ये देखिए हमने अपने कैमरे के कनेक्शन को कर दिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, अपनी TV के अंदर में HDMI पोर्ट को लगाएंगे। ये देख पा रहे हो बार बार इसमें DVR में HDMI है, और इसको क्या करेंगे हम लोग अपने जगह में TV में लगाएंगे। DVR में लगा दी HDMI, और इसी दोस्तों वायर को हम लोग लगाएंगे अपनी TV में। ये देखिए पीछे पोर्ट होता है तो इसमें लगा देंगे पोर्ट में। LCD को चालू कर देंगे यहाँ पे। एंड्रॉयड का TV है। अब क्या करा हमने, यहाँ पे DVR को स्टार्ट कर दिया है और थोड़ी देर में कैमरा यहाँ पे आने लगेगा, वेट करेंगे। DVR की टेस्टिंग कर रहे हैं दोस्तों। फिर क्या करेंगे हम लोग, अपने DVR को यहाँ पे जगह में कॉन्फ़िगर करेंगे। DVR का भी कॉन्फ़िगर नहीं करा हमने, तो पहले क्या करेंगे DVR को यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे जगह में स्टार्ट करना है। फिर ये देखिए एक जो है हम लोग यहाँ पर जगह में कैमरे की टेस्टिंग को कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है कि हमने वायर को इसके अंदर में अच्छे से यहाँ पर लगा लिया है और कैमरे की टेस्टिंग यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए आ गया यहाँ पर, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इंडिया को यहाँ पर चूज करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे
ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट पे करते रहेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, एडमिन पासवर्ड यहाँ डालेंगे जो यहाँ पे DBR का होता है, तो आपको भी यहाँ पे डाल लेना है। तो हमने पासवर्ड में यहाँ पे डाला इसमें एडमिन @123। और इसी को यहाँ पे दोबारा से करेंगे इसके अंदर में कंफर्म, ये जो DBR का यहाँ पर जगह में प्रोसेस है आपको दोस्तों इसके अंदर में आसानी से जगह में करना होगा, सावधानी से करना होगा। देख के डालने के बाद में यहाँ पर जगह में पैटर्न आएगा, तो पैटर्न पे कर लेंगे सेलेक्ट। पैटर्न पे सेलेक्ट करने के बाद में पैटर्न यहाँ पे बन जाएगा, और कुछ यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे चीज़ें आएंगे तो भर देंगे। व्हाट इज़ योर, जैसे कि आएगा इसमें व्हाट इज़ योर फेवरेट यहाँ पे चिल्ड्रेन बुक, ऐसा कुछ लिख के आएगा। व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ योर फर्स्ट बॉस, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें आएंगी तो उनको फिल कर लेना है। ईमेल वगैरह आएंगी इसको फिट कर देंगे, और फिर मेल आईडी यहाँ पे डालना होगा DBR के अंदर में। मेल आईडी आपको दोस्तों अपनी फिट करनी है। मान लीजिए कि आपको कभी आप अपने जगह में DBR के पासवर्ड को भूलते हो यहाँ पे, तो अपने मेल के थ्रू इसको रिकवर यहाँ पे कर सकते हो, जो आपकी मेल आईडी है। तो इसके अंदर में DBR में जगह में सीरियल नंबर होता है और आपके यहाँ पे मेल आईडी होती है, तो इसी से पासवर्ड आपका रिकवर होता है, या जो आपका DBR है वो आसानी से यहाँ पर खुल जाता है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, DBR NPL की सिस्टम आ गई, सेटिंग आ गई। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, IP ऑटोमेटिक यहाँ ले लेगा। नेट को लगाएंगे तो इसके अंदर में बार कोड आ जाएगा, इसी को आप ओके ओके क्लिक करते रहेंगे, नेक्स्ट कर करके ओके क्लिक करते रहेंगे, और लास्ट में क्या है कि हमारा कॉन्फ़िगर यहाँ पे DBR हो जाएगा। देखिए एक हमने DBR को जोड़ा भी था यहाँ पर, जो हमें कैमरे को जोड़ा भी था एक हमने DBR में, वो यहाँ पे चल गया है, और काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे कैमरा है, देख पा रहे हैं HD है बिल्कुल। हम लोग आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पे कैमरे की क्लैरिटी है, देख रहे हैं काफ़ी अच्छा कैमरा है दोस्तों। और भी देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे कलर में है कैमरा, सिक्योर कंपनी का कैमरा है जो कि यहाँ पे कलर में आता है। तो देखिए हम लोग अपने जगह में कैमरे की फिटिंग कर रहे हैं, लास्ट कैमरा यहाँ पे लगा रहे हैं। सभी के सभी जितने भी हमारे पास में जगह में कैमरे हैं तो सभी को लगा लेना है, और फिर इनको हम लोग DBR के अंदर में जो है इसके अंदर में जगह में फिट करके करेंगे स्टार्ट दोस्तों। तो पेंच देखिए यहाँ पे कस लेना है इसको, ऐसे ही दोस्तों हम लोगों को सभी जगह में कैमरे को कस लेना है, और ताकि आगे आगे चल के प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसको अच्छे से कैमरे को कस दिया है, नंबर वाइज करके सभी इसके सभी जगह में कैमरे को कस लेना है। ये कैमरा कस लिया हमने, सिक्योर कैम है, और इसके अंदर में रात को लाइट भी चसती है दोस्तों। बॉक्स लगा दिया है इसके अंदर में, DBR बॉक्स जो होता है। और ये देखिए आगे हमने जगह में BNC कनेक्टर को अच्छे से यहाँ पे बना लिया है, और हमारी यहाँ पे जगह में नेगेटिव की जो रहती है वायर यहाँ पे नेगेटिव की और जगह पॉजिटिव की, उसको भी हमने यहाँ पे जगह में छोड़ लिया है, क्योंकि इसको हम लोग अपने SMPS में लगाएंगे। BNC को ऐसे ही सेम आपको जगह में बना लेना है, ठीक है, जैसा कि बताया था मैंने। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जगह में नेगेटिव का पॉजिटिव का वायर होता है, माइनस का प्लस का, तो उसको क्या करेंगे हम लोग अपनी यहाँ पे जो दोस्तों हमारी SMPS है उसके अंदर में इसको लगाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे वायर को जगह में वायर को हमने यहाँ पे जगह में अच्छे से रेडी कर रखा है छील के, और BNC कनेक्टर को भी अच्छे से यहाँ पे रेडी कर लेंगे, इसमें टेप वगैरह लगा लेंगे, और नेगेटिव को पॉजिटिव वायर को ले लेंगे, उसको हम लोग अपने SMPS में लगाएंगे। ये देखिए नेगेटिव है वायर और यहाँ पे जगह में पॉजिटिव वायर है, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है।
नेगेटिव को नेगेटिव में जो है अच्छे से रख लेंगे, और यहाँ पर जगह में पॉजिटिव को पॉजिटिव में कर लेना। और फिर इनको क्या करेंगे हम लोग, अपनी SMPS में लगा देंगे। तो देखिए अच्छे से यहाँ पे इस पर जगह में टेप को लगा रहे हैं, वायर की बॉन्डिंग को बना रहे हैं अच्छे से, और यहाँ पे दिखाएंगे कि आपको इसको अपने सप्लाई के अंदर में कैसे यहाँ पर जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर जगह में पॉजिटिव वायर है रेड वाली, तो सभी को आपस में जोड़ लेंगे, और नेगेटिव वायर सही है तो इनको सभी को आपस में यहाँ पर जोड़ लेंगे। पॉजिटिव वायर देखिए रेडी है सभी, ये हमारी कैमरे की, और नेगेटिव वायर को रेडी कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए अभी रेडी है पूरी की पूरी वायर, सभी को आपस में जोड़ लेंगे। और ये जो है दोस्तों हमारी यहाँ पर जगह में BNC कनेक्टर हैं, इनको भी अच्छे से यहाँ पर बना लेंगे, जैसा कि वीडियो में मैंने आगे दिखाया था आपको। इसको अच्छे से यहाँ बना के इसके अंदर में टेप को लगा लेंगे, और इसको हम लोग जो है अपने जगह में DVR में लगाएंगे, और नेगेटिव को पॉजिटिव को यहाँ पे हम लोग अपनी SMPS में लगाएंगे। तो देखिए हमारा DVR आ गया है, यहाँ पे करेंगे कनेक्शन। कनेक्शन में करने के लिए देखिए हमारी ये देखिए हमारी जगह में सप्लाई आ गई है, देख पा रहे हैं इसमें सप्लाई है, सप्लाई में लगाएंगे अपनी वायर को। तो नंबर वाइज यहाँ पे करके जोड़ेंगे, ठीक है, अच्छे से यहाँ पे कनेक्शन को कर देंगे। मेन पार्ट यही होता है दोस्तों, अगर अच्छे से आपने यहाँ पे अपने जगह में कनेक्शन को कर दिया है तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे कैमरा चलेगा। HDMI वायर को लगा दिया हमने, और अब क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर में कैमरे की वायर को जोड़ेंगे। ये देखिए नेगेटिव है तो नेगेटिव को नेगेटिव में जोड़ रहे हैं, नेगेटिव वायर जैसे बताया था नेगेटिव में चली जाएंगी, और जगह में पॉजिटिव की वायर को पॉजिटिव में जोड़ देंगे। ये जो हमारी हमारी यहाँ पे SMPS है, SMPS में हमने अच्छे से यहाँ पे जोड़ दिया है, देख पा रहे हैं इसके अंदर में रेड कलर की वायर, तो रेड में जोड़ देंगे हमारी SMPS में। और नेगेटिव की है तो दोस्तों नेगेटिव आपके यहाँ पर जगह में ब्लैक में जुड़ेगी सारी, तो हमने यहाँ पे इसके अंदर में जोड़ लिया ब्लैक में, और अच्छे से यहाँ पे इस पर यहाँ पे लगा देंगे टेप। टेप को लगाने के बाद हमारा जो DVR है वो अच्छे से रेडी हो जाएगा। देखिए हमने जोड़ दी वायर, नेगेटिव का नेगेटिव का हो गया यहाँ पर जगह में, पॉजिटिव का पॉजिटिव का। आप दोस्तों यहाँ पर जगह में BNC कनेक्टर हमारा बचता है, तो BNC कनेक्टर को हम लोग अपने DVR में जोड़ लेंगे। ये देखिए नंबर वाइज करके हम लोग अपने BNC के कनेक्टर को जोड़ रहे हैं, और ये जो हमारा दोस्तों DVR है यहाँ पर जगह में 4 चैनल का DVR है, 4 जगह में कैमरे लगते हैं इसके अंदर में, और इसको हमने देखिए रेडी कर दिया है, और अच्छे से जो है इसकी फिटिंग वगैरह अच्छे से यहाँ पर रेडी ये हो चुका है। इसको रख देंगे बॉक्स में, और फिर क्या करेंगे हम लोग अपनी LCD को चालू करेंगे, DVR को चला के देखेंगे। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर कैमरा हम लोगों को देखने को मिल रहा है, और HD क्वालिटी है, रेजोल्यूशन भी फुल है, काफ़ी अच्छा जो है फंक्शन यहाँ पर चल रहा है कैमरे का। काफ़ी बढ़िया लुक आ रहा है, देख पा रहे हैं आप, जूम भी कर सकते हैं कैमरे में आप, क्लैरिटी बहुत ही अच्छी है। देखिए यहाँ पे सारे के सारे जगह में कैमरे चल गए हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में दोस्तों। फ्रंट कैमरा, अपर कैमरा, गली का कैमरा, छत का कैमरा, सारा का सारा हमने यहाँ पे इसके अंदर में फिट कर दिया है, और क्लैरिटी देख पा रहे हैं आपके सामने है, और काफ़ी अच्छा है ये। तो वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।